हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी टमाटर के साथ मिक्स करके। टमाटर के साथ मिक्स करके बनाने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और करेले का कड़वापन भी कम हो जाता है। इस तरीके से आप करेले की सब्ज़ी बनाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है करेला। हमने अपने गार्डन से करेला ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। इस तरीके से हम राउंड शेप में इसे पतला पतला कट कर लेंगे। जितना आपको बनाना हो, जिस क्वांटिटी में, आप सारे करेले को इसी तरीके से कट करके रेडी कर लीजिएगा। सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सब्ज़ी एक बार आप बनाकर खाएंगे ना, तो आप हर बार इस तरीके से बनाकर खाना चाहेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। हमने यहाँ पर सारे करेले को कट करके रेडी कर लिया है। अब हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन रख दिया है हमने, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच पंचफोरन। इसको हम थोड़ा चला देंगे ताकि अच्छे से ये चटक जाए। अब इसमें हम कटे हुए सारे करेले को ऐड कर देंगे। 2 मिनट इसको हम भूनेंगे। हमने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसे हम ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। इसे हम फिर से चला देंगे। 2 मिनट हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चेक करते रहेंगे और इसे उलट पलट कर चलाते रहेंगे ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर से हम कवर करेंगे। 2 मिनट पकाएंगे। इन्हें फिर से चला देंगे। इसे हमें अच्छे से पलट देना है दोनों साइड से ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, एक एक पीस। इस तरीके से करेले को पहले पका लेना है। दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसका कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है, तीखा नहीं लगता है करेला। तब थोड़ी थोड़ी देर में इसे हमें चेक करते रहना है। यहाँ पर हमने इसे पका लिया है, आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसे करेले में खट्टापन आएगा और सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो उसकी जगह पर आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। हमने इसमें ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है। अगर आप कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करती हूँ। इसे हम 2 मिनट पका लेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसे हमने 2 मिनट पका लिया है। सब्ज़ी हमारी बन करके रेडी हो गई है। अब इसे आप रोटी, चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आपको पसंद हो। आप सर्व करने के लिए ये रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को देख सकें। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से हरा धनिया पत्ता से गार्निश कर दिया है। देखिए मेरी सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो इससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है और हमारे हेल्थ के लिए भी करेला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।